नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आज हम मैं बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, ये क्यों मनाया जाता है पूरे भारत में। रक्षाबंधन, जिसे लोकप्रिय रूप से राखी भी कहा जाता है, यह भाई बहन के पवित्र बंधन को मजबूत बनाने का दिन होता है। वैसे तो यह हिंदू धर्म का त्यौहार है, लेकिन इसे अन्य कई धर्मों के लोग भी अपने अपने तरीके से मनाते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा तथा बंधन। इसका अर्थ है रक्षा के बंधन में बंधना। ये एक ऐसा त्योहार है जो केवल भाई बहन के खून के रिश्ते को ही परिभाषित नहीं करता, बल्कि कोई भी करीबी रिश्तेदारों को भी या करीबी भाई को भी या मुंह बोली भाई बहन भी इस रिश्ते को मनाते हैं, वो किसी धर्म के हो। बहनें प्यार और स्नेह की निशानी के रूप में अपने भाई के कलाई पर पवित्र धागा बांधती हैं और बाद में भाई उन्हें रक्षा का वचन देता है, उन्हें संकल्प देता है। हालांकि समय के साथ इसमें काफी बदलाव भी आ गया। अब भाई की ओर से बहनों को उपहार देने की परंपरा शुरू हो गई। इतिहास के पन्नों में देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसका पहला उदाहरण कृष्ण और द्रौपदी को माना गया है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इस दौरान द्रौपदी ने बेहद दुखी हुई और उन्होंने साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांधा। इससे उनका खून बहना बंद हो गया। इसी कारण से जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो तभी कृष्ण ने उन्हें बचाया था। तो इसका एक साक्ष्य ये भी है। और दूसरा उदाहरण एक वो मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी बन रही है जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं को माना गया है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। इस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अपनी और अपने प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकला। देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी, तभी से हुमायूं ने उनके संरक्षण का उन्हें आश्वासन दिया। और दोस्तों तभी से रक्षाबंधन का पर्व हर साल मनाया जाता है। यह इस वर्ष 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। तो आप सभी लोगों को देवभूमि उत्तराखंड की ओर से मेरे YouTube चैनल Facebook पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉगर पे devbhoomiindia.wordpress.com है, अगर वर्डप्रेस पे आप सर्च करते हैं तो। और अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड, और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज और वर्डप्रेस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां से आप मुझे फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।